चीन में फैली सांस की बीमारी का असर अब भारत में देखने लगा है। चीन में एक हफ्ते से बीमारी फैली हुई थी जो फेफड़ों को खराब कर रही थी, और अब इस बीमारी का असर भारत में दिखने लगा है और फैलने का खतरा मंडरा रहा है। इस कारण से राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु, इन सभी राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बीमारी काफी खौफनाक है, जो शुरुआत में निमोनिया की तरह लगती है और फिर बाद में फेफड़ों को खत्म करने लगती है। चीन में इस बीमारी को सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए हैं और इस कारण चीन के कई शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चीन में हर रोज 7,000 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल आ रहे हैं और अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना की तरह यह बीमारी संक्रामक है। भारत सरकार ने सीक्रेट बीमारी के लिए 24 नवंबर को ही अलर्ट जारी कर दिया था और अब इन सभी स्टेट्स के लिए भी भीड़भाड़ वाली जगह पर मास्क पहनने की सलाह दे दी है। साथ ही सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए 6 गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक हॉस्पिटल्स में बेड और स्टाफ की कमी नहीं होनी चाहिए, एंटीबायोटिक और दूसरी सभी दवाओं का स्टॉक मौजूद होना चाहिए, ऑक्सीजन प्लांट्स और वेंटिलेटर्स सही से काम करते रहने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद होने चाहिए, हॉस्पिटल में पीपीई किट और टेस्टिंग किट मौजूद होना चाहिए, साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए जो इन्फेक्शन प्रोटोकॉल बनाया गया है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। वैसे आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि चीन ने एक बार फिर इस तरह की बीमारी को छिपाने की कोशिश की है। यानी कि जब कोरोना चीन में फैलने लगा था, तब चीन ने इसे लेकर दुनिया में कोई अलर्ट जारी नहीं किया, न ही अपने लोगों को आने जाने से रोका। प्रोवेंट नाम की एजेंसी ने दिसंबर 2019 में पहली बार कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया था। ठीक ऐसे ही इस बार भी चीन ने इस बीमारी को लेकर दुनिया भर में कोई अलर्ट नहीं दिया और फिर से प्रोमेड ने ही 15 नवंबर को इस बीमारी को लेकर दुनिया भर में अलर्ट जारी किया। चीन से जब इसे लेकर सवाल किए गए तो चीन दोबारा मुकर गया। चीन का कहना है कि यह सामान्य निमोनिया की बीमारी है, किसी वायरस का संक्रमण नहीं। लेकिन प्रोमेड के अलर्ट के मुताबिक संक्रमित बच्चों के फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी, सांस की नली में सूजन के साथ ही सर्दी जुकाम जैसे लक्षण है और ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि चीन ने अपने स्कूल्स बंद कर दिए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी चीन में फैले इस वायरस का सैंपल मांगा है ताकि इस पर रिसर्च की जा सके और इस संक्रमण को महामारी में बदलने से रोका जा सके। साथ ही WHO ने सभी से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने को कहा है। भारत में अब तक इस बीमारी की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने 6 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है, सभी से चौकन्ने रहने को कहा है और गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। इस बीमारी से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और हाँ, इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।